वालेकुम आज हम आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करेंगे इस बर्फ़ी को मैंने सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है और ये इतने मज़े के बनकर तैयार हुए हैं और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितने दानेदार और टेस्टी बने हैं तो चलिए फिर देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है तो ये एक कप मैंने लिया है बेसन बेसन को मैंने छलने से छान कर लिया है बेसन को करते हैं साइड में और ये मैंने एक कप घी लिया है अब हम चलते हैं अपने गैस पर पैन को गर्म होने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है पैन में हम सबसे पहले घी ऐड करेंगे आप देख सकते हैं घी को मैंने थोड़ा सा बचा लिया है आप पूरा घी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं पर मैंने घी को थोड़ा सा बचा लिया है घी को हम मेल्ट होने देंगे घी हमारा मेल्ट हो चुका है इसमें हम ऐड करेंगे तीन से चार टेबल स्पून रवा सूजी ये पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं बिना सूजी के भी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे अब जो मैंने एक कप बेसन लिया था उसको मैंने ऐड कर दिया है अब बेसन को हम अच्छे से भून लेंगे हम सिलो फ्लेम पर बेसन को तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे बेसन में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे इस तरह से हम बेसन को आराम आराम से भूनेंगे हल्की आँच में इसे भूनते हुए कम से कम आठ से दस मिनट का टाइम लगेगा बेसन हमारे अभी इस तरह से दिख रहे हैं इसे भूनते भूनते हमारे बेसन सारे घी रिलीज़ कर देगा आप देख सकते हैं बेसन हमारे चेंज होने लगे हैं पहले बेसन हमारे ड्राई थे अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं गिली होना शुरू हो चुकी है ना मैंने पानी और ना एक्स्ट्रा घी ही किया है जो मैंने घी को पहले से ऐड किया था वही बेसन हमारे घी रिलीज़ कर दिए हैं इसी स्टेज इस तक हमें बेसन की भुनाई करनी थी खुशबू बहुत आ रही है हमारे बेसन से अब ये हमारे बेसन अच्छे से भून चुके हैं इसे हम कर देते हैं साइड में और ये मैंने एक बर्तन लिया है बर्तन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और एक कप मैंने शुगर ऐड किया है चीनी चीनी मैंने उतना ही लिया है जितना मैंने बेसन लिया था एक कप बेसन और एक कप चीनी बेसन और चीनी मैंने बराबर लिया है आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आधा कप मैंने पानी ऐड किया है जिस कप से मैंने चीनी लिया था उसी कप से मैंने आधा कप पानी भी लिया है हम चीनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी हमारी एक तार की चाशनी नहीं हो जाती है एक तार की चाशनी तैयार होने में बस तीन से चार मिनट का ही टाइम लगेगा गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है ताकि हमारी चाशनी जल्दी से तैयार हो जाए तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे हाथों में चिपक रहे हैं यह हमारी एक तार की चाशनी तैयार हैं अभी हमारी चाशनी तैयार हो चुके हैं इसे भी हम कर देते हैं साइड में बेसन को मैंने दोबारा से गैस पर चढ़ा दिया है अब जो चाशनी मैंने बना कर रखे थे उसको हम बेसन में ऐड करेंगे सारे चाशनी मैंने बेसन में ऐड कर दिए हैं अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो चाशनी और बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे ड्राई होने तक भुनाई करेंगे इसे ड्राई होने के लिए बस तीन से चार मिनट का ही टाइम लगेगा आप देख सकते हैं ड्राई होना शुरू हो चुके हैं अब इसी तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए आप देख सकते हैं हमारी मिठाई कितने अच्छे से भुन चुके हैं ना इस पेचुला में चिपक रहे हैं और ना फ्राई पैन में भी चिपक रहे हैं तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं इस तरह का मैंने बर्तन लिया है आप कोई भी थाली जिसमें आप मिठाई को जमाना चाहें वो ले सकते हैं कंटेनर को मैंने घी से ग्रीस कर दिया है और जो मिक्स मैंने तैयार किए थे उसको हम ऐड करेंगे अब मिक्स को हम बराबर कर लेते हैं अब ये मिठाई हमारे अच्छे से बराबर हो चुके हैं मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग नहीं की है आपका जो बादाम पिस्ता से गार्निश करना चाहें तो कर सकते हैं मिठाई को सेट होने के लिए मैंने पंद्रह मिनट के लिए फ्रिज में रखा था अब ये हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं अब इसकी हम करेंगे कटिंग तो मिठाई को कटिंग करने से पहले हम लगाएंगे ऊपर से चांदी का वर्क आप चांदी का वर्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं मैंने तो बाज़ार वाली लुक देने के लिए ही चांदी का वर्क लगाया है आप किसी भी तरह की गार्निशिंग नहीं करेंगे तो मिठाई के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा अब मिठाई को हम पीसेस में कट करेंगे आप मिठाई का कोई भी शेप दे सकते हैं आप अपने हिसाब से मिठाई को कट कर, कर सकते हैं मैंने तो चोकर वाले पीस काट लिए हैं आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारी मिठाई निकल रहे हैं नीचे से हमारे बर्फ़ी कुछ भी नहीं चिपके हैं एक एक-एक करके सारे बर्फ़ी को हम इस तरह से निकाल लेंगे तो सारे बर्फ़ी को मैंने निकाल लिए हैं तो एक कप बेसन से हमारे इतने सारी मिठाई बनकर तैयार हुए हैं आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितने दानेदार तैयार हुए हैं ये हमारी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं आप इसे त्योहारों में या किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं तो फ्रेंड्स हमारी ये बेसन की बर्फ़ी थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़